हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय डू। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सेल्फ, मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के हिसाब से अपने स्टडी को करना चाहते हो, फ्यूचर के ग्रोथ को देखते हुए अपने करियर को बनाना चाहते हो, तो आज का प्रोफाइल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। दैट इज ऑन प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। प्रीकास्ट के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ है गाइस, आज इस वीडियो फुल डिस्कशन करेंगे। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं, समझते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपना भी व्यू शेयर करना कमेंट बॉक्स में, या फिर अपना क्वेश्चन जरूर पूछना, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश की जाए। 2 मिनट लगता है, आपके कमेंट से बहुत बेनिफिट होता है, आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट कर। चलिए, तो अब आप सब देख रहे होंगे कि सब कुछ जल्दी है, चाहे जिस इंडस्ट्री में जाओ। अभी किसी का तुम इंटीरियर का काम करो, हम लोग करते हैं, तो क्या बोलेंगे, भैया 10 दिन में दे दोगे क्या? ठीक है, अगर किचन का सेटअप 10 दिन में दे दोगे क्या? बाथरूम का सेटअप 5 दिन में दे दोगे क्या? मतलब हर किसी को बहुत जल्दी हुई है कि मुझे जल्दी से दे दो, बस मेरे को टाइम नहीं है। अगर कोई बिल्डर बोल रहा है कि मैं अच्छा सा कंस्ट्रक्शन करके 4 साल बाद दूंगा आपको पजेशन, तो नहीं यार, 4 साल कौन रुकेगा? आप मना कर देते हो, आप मतलब हर कोई मना कर देता है। कुल मिला के अभी फास्ट हर चीज लोगों को चाहिए। इसी फास्ट के क्रम में सबसे अच्छी अगर इंडस्ट्री बूम कर रही है कौन सी? प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा बूम कर रही है गाइस, बहुत से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बड़े बड़े सिटीज में तो जितने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अभी हम लोग देख रहे हैं, साथ ही साथ अभी रेजिडेंशियल में भी कई ढेर सारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, सबके सब प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। प्रीकास्ट पर ढेर सारी कंपनीज आ रही है, बहुत ढेर सारी ओपनिंग्स भी निकल रही है। आज हम लोग ये भी समझेंगे कि आप प्रीकास्ट में अगर हमको एंट्री करना है तो उसके लिए क्या क्या पढ़ के जाए, ठीक है जी, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो प्रीकास्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आगे हम लोग और ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास स्लैब कंस्ट्रक्शन होके आता है, बीम कॉलम बन के आता है, बट हम बस हमको क्या करना है, प्लेस करना है। इस तरह से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग दोनों ही बहुत ही सक्सेस है। पोस्ट टेंशनिंग उस पार्ट का होता है जो पार्ट बहुत हैवी होता है, उसको ऑन साइट पर ले जाके वहां पर टेंडन डाल के, मतलब स्टील होता है एक तरीके से, स्टील डाल के हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और प्री जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या करते हैं, हम लोग अपने फैक्ट्री के अंदर ही सब कुछ स्टील वगैरह लगा के बस ले जाके प्लेस करते हैं, जो छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम मूव कर सके आसानी से। तो पोस्ट टेंशनिंग प्री टेंशनिंग दोनों ही बहुत सक्सेस है। अभी आप मेट्रो का काम देख रहे, मेट्रो का पूरा काम प्रीकास्ट स्ट्रक्चर पर जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली लोगों को जल्दी चाहिए, ठीक है, नेता लोगों को चाहिए कि चुनाव से पहले दे दें, और कॉन्ट्रैक्टर को भी चाहिए कि हमको जल्दी से इनकम आ जाए, हर कोई जल्दी में है, ठीक है। इस जल्दी में एक ऑप्शन बन चुका है प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, इसमें आपको जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। सिर्फ आपको बेसिक ऑटो कैड आना चाहिए, बेसिक ऑटो कैड आना चाहिए, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए गाइस। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, तो ब्लॉक्स बनाने के लिए आपको रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर अगर आएगा तो आप रेविट फैमिली के माध्यम से बेहतरीन ब्लॉक्स बना सकते हो, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फैमिली की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगती है। फैमिली मतलब दूसरी फैमिली में सोचना, रेविट फैमिली की बात कर रहा हूं, फैमिली की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ ब्लॉक्स को आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है रेविट पे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए चला जाता है। और इसके साथ ही साथ इसमें हम लोग अपना रोबोट स्ट्रक्चर करते हैं, बट इंडिया में रोबोट स्ट्रक्चर कम करते हैं, इंडिया में टेक्ला को ज्यादा प्रीफर करते हैं। किसको? टेक्ला को। तो अगर आपके पास टेक्ला का नॉलेज है, या फिर केवल रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर का नॉलेज है और ऑटो कैड का है, तो आप प्रीकास्ट की कंपनी में अपना अप्रोच दे सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे मुझे टेक्ला की रिक्वायरमेंट है, टेक्ला आता है तो आइए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं मुझे केवल रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर आता है, तो आप आ जाइए, हम आपको ट्रेन कर देंगे प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन पे। आज से 5 साल बाद देखना गाइस, 5 साल बाद लोग नहीं मिलेंगे, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि डिजाइन करने वालों को टाइम नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्शन करने वालों को भी टाइम नहीं, मतलब हर कोई चाहेगा जल्दी जल्दी से हो। कौन 2 साल वेट करेगा? अगर मुझे अपना खुद का अगर बड़ा सा ऑफिस डालना है G+10 का, G+5 का, ठीक है, तो अब मैं वेट करूंगा क्या कि चलो ठीक है 4 साल बाद खुलेगा ऑफिस? नहीं, मुझे जल्दी चाहिए, हर किसी को जल्दी चाहिए। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। ग्रोथ की बात करो तो बेहतरीन ग्रोथ है, 15,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी,
और 2 से 3 साल के बाद आप आराम से 50 का आंकड़ा मतलब 8 शतक को आराम से पार कर लेंगे गाइस, अगर नॉलेज है तो। ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, रेविट फैमिली की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे फुटिंग वगैरह की, कॉलम बनाने की, स्लैब बनाने की, ये सब चीजों की। और क्या बोलते हैं, रेविट के अंदर इसका एक प्लगइन आता है प्रीकास्ट, जो कि जनरली आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पेड होता है। कंपनी में जाओगे तो आपको अगर रेविट आर्टिस्ट स्ट्रक्चर आता है तो एक एक्स्ट्रा प्लगइन मिल जाता है, वहां के माध्यम से आराम से रेनफोर्समेंट वगैरह सब कुछ लगा सकते हो, सब कुछ उसमें रहता है, मतलब जो कंपनी के अंदर आप प्रीकास्ट का प्लगइन यूज करोगे। तो बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, अगर आप जाना चाहो तो इसमें करियर बना सकते हो। हमारे पास एग्जैक्टली प्रीकास्ट का तो नहीं, बट रेविट आर्टिस्ट स्ट्रक्चर को तो फुल कोर्स ऐप पर अवेलेबल है, इफ यू वांट यू कैन लर्न फ्रॉम देयर, अदरवाइज आप कहीं से भी सीखो। बट रेविट फैमिली को अच्छे से सीखना, रेविट आर्टिस्ट को, रेविट स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखना, आप इस करियर, इस मतलब इंडस्ट्री में अच्छा करियर ग्रोथ, अच्छी सैलरी ले सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा प्रीकास्ट होता क्या है। प्रीकास्ट को थोड़ा और समराइज कर दूं तो प्रीकास्ट मतलब पहले से बना हुआ रखा हुआ है वॉल। आपने फोन किया, सर मुझे 10 फीट की इतनी वॉल चाहिए, 20 फीट की इतनी वॉल चाहिए, हमने फटाफट आपको भेज दिया, और आपका कॉलम पहले से बना हुआ है, बीम आपका पहले से बना हुआ है। इस पर डिटेल वीडियो भी मैंने बताया हुआ है, जिसमें मैंने लगभग आधे घंटे में पढ़ाया हुआ है, तो वो वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। पूरा मैंने एग्जैक्टली समझाया कि ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स कैसे कैसे होते हैं। आपको अगर इंटरव्यू में जाना है तो उस ब्लॉक को आप, उस वीडियो को आप वॉच कर लेना, शायद उसमें पीपीटी भी होगी तो पीपीटी डाउनलोड करके पढ़ भी लेना। ये था इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि अगर प्रीकास्ट में करियर बनाना है तो कैसा रहेगा। डेफिनेटली बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छी रेस वही होती है जहां पर लोग कम होते हैं, चाहे थोड़ा घूम के जाना पड़े, क्योंकि अगर जहां खाली रोड है आप खींच लोगे। अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रीकास्ट में अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, छोटे सिटीज में तो बिल्कुल नहीं है, बड़े सिटीज में थोड़े थोड़े हैं। तो इसके लिए जो लाइक कंपनीज भी अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े सिटीज में भी 7-8 कंपनी गिन के हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर धीरे धीरे ऐसे चलता रहा तो 5 साल के बाद ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। जो लोग फोर्थ ईयर में है या फिर 1 ईयर 2 ईयर पास आउट हुए हैं, वो लोग बहुत आराम से मूव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छे लगते हैं हमारे वीडियोस, इसको दबा के यार शेयर किया करो, एक एक लोगों तक शेयर करने में आपका कुछ जाएगा नहीं। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने 25,000 की फैमिली कंप्लीट कर दी, और हमारे चैनल पे वही लोग हैं जो एक्चुअली अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और मुझे ऐसे ही लोगों की रिक्वायरमेंट थी जो ऐसा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।